फिर से झगड़ा चल रहा है। हाँ माता फिर वैसे ही कर रहे हैं। फिर से तो करेगा ना जब तो भूल के बैठेगी। तो मैं अकेली कैसे आऊँ जब भेजेगा पैसे। बेटा पहले कैसे आई थी मुझे ये बता तू, पहले कैसे आई थी? तब उसने भेजा था। उसी ने भेजा था पहले? नहीं वैसे झूठ ही बोल के आई थी। हाँ तेरा एक सप्ताह में काम बन गया था। हाँ कहाँ से? तुझसे बात ही नहीं करता था। हाँ कहाँ पे तुझे ले जाने के लिए बोल रहा था वो? क्या हुआ? पूरा एक महीना हो गया बच्चे। हाँ मैया आज एक महीना। हाँ पूरा एक महीना हो गया। कहाँ पे तुझे तीन फेरियां बोली थी लगातार? हाँ मैया एक फेरी रह जाएगी अपना उस पे। आज से फेरी चालू होगी ये ध्यान रख ठीक है? तीन फेरियां लगा, तीन फेरियों में तेरे आगे पीछे ना घूमे। अब मैया बच्चे भी नहीं, उनका भी दिमाग नहीं काम करता और ना घर में कुछ काम धंधे का कुछ नहीं, बस वैसे ही हो रहा सब। बेटा पहले चौकी तो है, चौकी तो लगा ठीक है। ये तेरे घर में चक्कर चलाया गया है बच्चे? मैया चलाया किसने है? बेटा तेरे ही परिवार से है। मेरे परिवार से ससुराल वाले? हाँ बच्चे ससुराल। मैया ये नहीं पता कि कौन है वो। बेटा जब वो आप आएगा तब बताऊंगी, जब वो खुद आएगा तब बताऊंगी। तभी बताऊंगी मैं। मैया ये बोलता है कि कुछ नहीं करा रखा और सब झूठ है। उसके भाभी है कराने वाली। अच्छा मैया माता बड़ी है कि छोटी है? मोटी सी तो वो दोनों ही बराबर सी हैं, छोटे वाली बड़े वाली है, बड़े वाली है। मैया उसने उससे दूर ही कर दो मैया बिल्कुल इसको कि बेटा तीसरी फेरी पे ठीक है माता मैं करूंगी, तीनों फेरी लगाऊंगी तीसरी फेरी के बाद। और माता वो जो मुझे लाना वो मैंने अरदास ले रखी थी वो माँ के कपड़े और वो सब फूला श्रृंगार वो तीसरी पे लाना। हाँ बेटा जब तेरा काम बन जाएगा तब लेके आएगी तो ठीक है। और माता से मैं पैर में भी अभी आराम नहीं है पूरा। तो बच्चे जब तीन चौकियां पूरी करेगी तभी तो होगा ना। बार बार तुझे एक ही बात कहूँ मैं।